हेलो जी, राम राम। कैसे हैं सारे? आशा करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप सब। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। इवन आके आ रही हूँ, और मतलब आज बारी होगी क्योंकि यह रक्षी सो के कोनी देवे था, तो इसलिए मैंने वार लगी। और इस रक्ष के पापा सामान लेके आ रहे हैं, घर का सारा सा पड़ रहा था, तो ये भी थोड़ा लेके आए हैं, थोड़ा और लेके आना है। तो मैं आपने दिखा दूँ मैं के सामान लेके आ रहा है या ठीक से है, तो फिर आप देखिए। देखो ना बेटा, या मखाने लेके आ रहा है, एक पैकेट है। या मैं देख साबुन से पड़ रही थी इसकी बर्तन माजने की, अरे रक्षित की चॉकलेट है छोटी सी, ये या हमारी माचिस से पड़ेगी इतनी सारी, अरे यार खाने के पैकेट हैं, दो ले आया है, अरे गोले थे हैं, अरे दाल दाल से पड़ गई थी, या दाल है सारी मिक्सअप। ये दाल बड़े शौक से खाया करे क्योंकि जल्दी से पच जाती है। आगे कर जा रक्षू। तो फिर यह दाल ले रखा, ये चने की मेरी सासू ने मंगवाई थी, तो चने की दाल है। और यह बेसन सपड़ रहा था हमारा सारा, फिर कड़ी वड़ी बनाते हैं ना तो चाहिए होता है, इसलिए बेसन मंगवाया था। और यह प्याज ले आ रहा है, प्याज खत्म हो रही थी सारी, तो मैंने ही कही थी मेरा प्याज ले आइए, खत्म हो गई है। देखो बड़ी बड़ी प्याज है, काटने में भी स्वाद आया करे अपना, है ना। और तो कुछ खास नहीं है, और रुक जा रख। अब बथुआ हमारे यहाँ बथुआ बना के बनाया करे, बड़े शौक से खाया करे सारे। यहाँ बथुआ लेके आया था, बथुआ का रायता बड़ा ज्यादा। बस एक बार तो थोड़ा इस्तेमाल आ रहा है, झाड़ू लेकर आया था दो। बंदर सही रखे। बस फिलहाल तो यही सामान था, क्योंकि अभी थोड़ा ही सामान लेके आया, बाद में मैं भी दोबारा जाता होगा तो थोड़ा बहुत और ले आएगा, है ना। तो यही सामान था। लो मेरी अलमारी फैली हुई। देखो बेबे, किसी और ये सारी फैली हुई है। मेरा ये 1 महीना हो लिया, मतलब ब्याह में गए थे उसके बाद मैंने सवारी को नहीं, फिर देख लो ये भी सुने सवारूंगी आज, मगर इसमें साफ करूंगी, जी को नहीं लग रहा है। वह दिखाऊंगी आपने कि ऊपर साफ करा करूँ मैं। देख लो आप भी पूरी वीडियो देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब तो जरूर करियो। तो देख लो पूरी अलमारी खाली कर दी है, और सारे कपड़े मैंने खाट पे रख दिए थे, और मैंने एक एक कपड़ा तय करा था, और अलमारी में झाड़ पोछ करी थी, और सारे जचाए थे। और मतलब वीडियो तो बहुत लंबी थी, मैंने शॉर्ट करी है यार। तो देख लो सारे जचा दिए मैंने, लत्ते सारे तय करे थे, एक एक कपड़ा तय करा था। और रात को तो मैंने ना, मतलब एक दिन पहले रात को सारे कपड़े प्रेस करे थे, मतलब एक गट्ठर भर के, तो मैं कहा वो भी जचाने हैं, तो फिर मैंने वो भी जचाए थे। इसमें ज़्यादातर इसमें ना मैं रक्षित के पापा के कपड़े रखती हूँ, रक्षित के और मेरे कपड़े नए नए ही होते हैं, मतलब हम डेली यूज़ के अपने में कमरे में रखती हूँ बेड के सिराने। तो देख लो ये मैंने अच्छे से जचा दी थी, साफ ऑफ कर दी थी, सारे नए नए कपड़े जो है, जो नए नए रक्षित के पापा के स्वेटर थे हमारे थे, वो मैंने ऊपर जचा दिए थे, क्योंकि मैं पन्नी में करके रख देती हूँ नए कपड़े ना, ताकि धूल मिट्टी ना चढ़े इन पे और अपना रहे। ये नए नए कपड़े वो थे जो हम बार बार ना, कई बार कहीं जाना होता है तो निकालते हैं, तो वो थे। नहीं तो बाकी जो और शादी शिव वगैरह के कपड़े होते हैं ना, वो मैं अटैच ही में रखा करूँ अपने और इसके रक्षित के पापा के। बाकी जो और भी कपड़े हैं नए नए, जो हम यूज़ भी कर लेते हैं, तो वो इसमें रख देती हूँ। तो देख लो, कभी जी नहीं हो रहा था, जी कभी दुख पा रहा था, एक तो मैं बहुत खुश हो गई थी, मगर चलो मेरी अलमारी तो होगी साफ। और फिर बच्चे के साथ है ना जी, काम बहुत देख देख के करना पड़ता है। मेरा बच्चा है छोटा 2 साल का, और ये कथी दुखी कर ले मैंने, तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, या बीमार भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि मेरे पीछे पीछे घूमता है फिर, इसलिए नाउ ये ऊपर है सारे नए 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 कपड़े हैं, ये नीचे सारे डेली वेयर है, मतलब ये रक्ष के पापा की शर्ट्स हैं, ये रक्ष के पापा के स्वेटर्स हैं सारे, और ये पैंट है सारे। ये मेरे रक्षु का है ड्रोर, इसके कपड़े हैं, और ये सारे ये सूट्स वगैरह ये मेरे हैं, ये 2 शर्ट्स हैं, तो ये मैंने अभी ऐसी टांग दी क्योंकि प्रेस करूँगी तब जचाऊंगे।